कर रही होती है, लेकिन बेगम कहाँ सुनती है? बेगम सुनती है हमारी भी नहीं सुनती। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी सुन, हमने उनकी सुन ली, हमने पान खाना सीख लिया, अब हम दोनों साथ में पान खाते हैं और साथ में गुफ्तगू करते हैं। देखिए आपको मशक से गुफ्तगू कराते हैं। अगर आप लोग कहीं दूर दराज सफरनामा के लिए निकले हो घूमने के लिए, तो आप ये बेहद कमाल की चीज़ होने वाली है। इसको मशक कहते हैं, इसके अंदर पानी गर्म और ठंडा दोनों रहता है। गौर फरमाइए, देखिए आप यहाँ से कोयला डालोगे तो पानी गर्म, और बर्फ का गोला डालोगे तो पानी ठंडा, और जो आपका सफरनामा है ना बड़े आसानी से कट जाएगा बिना किसी मुश्किल के। इसे हमारे शाहजहाँ इस्तेमाल करते हैं जब भी सफरनामा पे जाते हैं। तो आपके आने से पहले ना, ज़रा सा पहले, हमारे शाहजहाँ का काफिला सफरनामा से लौटा और किले के अंदर चला गया। थोड़ी देर पहले आते तो आपको हम अपने शाहजहाँ से भी मिलवा देते। पहले आना तो बता देता, नहीं वो गए अंदर, वो बहुत दूर चले गए ना, यू टर्न नहीं है। हाँ, ये देखिए आप खासदान पे भी एक बार गौर फरमाइए। खासदान मतलब जेवरात का डब्बा है, हमारी बेगम का ही है, बनवाया तो था कारीगर से कह के कि हमारी बेगम इसमें अपने जेवरात रख सके, लेकिन जब से ये बना है ना तब से हमारी बेगम ने जेवरात उतारे ही नहीं है, पहन के ही रखा है। तो ये खाली है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी उस समय जो बाजार में दिखाई जाती होंगी, वही आपको दिखाना था कि जो अभी आपने बाजार देखा है वो उस 400-500 साल पहले कैसा दिखता होगा। तो ऐसा कुछ दिखता होगा ये छत्ता बाजार में। आइए,